पटना मेट्रो में सफर करने का आपका सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है। जी हाँ, पटना के सड़कों पर बहुत जल्द मेट्रो दौड़ने लगेगी। क्या है पूरी खबर हम ये जानते हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। नमस्कार, मैं हूँ चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है। जी हाँ, बहुत जल्द पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी। क्या है पूरी खबर, इस पर हम बात करेंगे। पहले जान लेते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार में पोस्टर वार छिड़ता जा रहा है। एक दो दिन पहले ही पटना के सड़कों पे जेडीयू द्वारा पोस्टर लगाया गया था, क्यों करे विचार ठीके तो है नीतीश कुमार। इसके जवाब में आरजेडी ने भी एक पोस्टर लॉन्च कर दिया है, जिसपे की आरजेडी ने लिखा है, क्यों न करे विचार जब बिहार है बीमार। साथ ही इस पोस्टर पे बिहार में व्याप्त अपराधी बीमारी आदि कई सारे मुद्दों पे आरजेडी जो जेडीयू को घेर रही है। सीतामढ़ी जेल में कुख्यात अपराधी पिंटू कुमार द्वारा मनाए गए पार्टी के ऊपर सरकार ने जवाब तलब किया है और तत्काल प्रभाव से जेल अधीक्षक मिथिलेश कुमार को निलंबित कर दिया है। अगली बड़ी खबर यह है कि अगर आप बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिनों में न बनके सिर्फ 10 दिनों में आपके हाथ में होगा। अगली बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बिहार के 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके तहत तमाम शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे बच्चों को वो बढ़िया तरीके से नए तरीके से पढ़ा पाएंगे। अब खबरें विस्तार से। कल हुए केंद्रीय बैठक में नीतीश सरकार ने कई अहम मुद्दों पर फैसला किया है, जिसमें से कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को पटना मेट्रो के फेस वन के 2 स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए नीतीश सरकार ने 483 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटन कर दिया है। इसके साथ 15 और एजेंडों पर कल मोहर लगी, जिसमें एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के 39 पदों पर भी नियुक्ति के लिए मोहर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सरे और टेक्नीशियन के भी कई डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए अनुमति दे दी गई है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।